हमारे बीच महिला भी मौजूद है, आज देख लीजिए मुस्कुराती हुई महिला है, यहाँ पे शर्मा रही है लेकिन नहीं, जैसे जहाँ शर्माते हैं हम वहीं पे आते हैं। नहीं हम आपसे पूछेंगे क्योंकि जब आप जाएंगे वोट डालने तो आप भी तो बटन दबाएंगी। अच्छा, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो सामने जो कूड़ा पड़ा है, लोग कह रहे हैं कि प्रधान जी नहीं इसकी सुनवाई कर रहे हैं। प्रधान जी का कहना यह है कि सरकार सिर्फ सहयोग कर सकती है, जो आम जनता है सहयोग भी नहीं करेगी। नहीं नहीं, हाँ ये नहीं कहना है, अब उससे बात करते हैं। हर दिन से हम राशन को जा रहे हैं, राशन कार्ड नहीं मिलो, अब राशन नहीं मिल रहा है तो लेटरिंग बनवा लीजिए। नहीं लेटरिन में नहीं बनवाना चाहिए था। हाँ, और जब राशन नहीं दे रहा है लेटरिन बनवा दी इसमें। तो नमस्कार, हम इस समय कनपुरियों की नगरी कानपुर में हैं और इस समय इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंच चुका है नारामऊ गांव, जहां पर यहाँ पर बहुत विधायक आते हैं और उन्होंने वोट है मांगा, और यहाँ पे प्रेजेंट विधायक भाजपा से हैं, उनका नाम है अभिजीत सांगा। वहीं पे सपा से इस बार सीधी टक्कर आपको देखने को मिलेगी। इस गांव में क्या हेरा फेरी है, किस ओर वोट जाता है और इस एक्सप्रेस में किसकी गाड़ी सवार होती है, बड़ा यहाँ पर सवाल है। अरे मचा हुआ बवाल है और उसी बवाल के बीच भौकाल से आज इलेक्शन एक्सप्रेस लोगों की राय देखेगा और यहाँ पर क्या विकास कार्य होने हैं, क्या मुद्दे रहेंगे जब वोट डालने लोग जाएंगे, इस पर मंथन किया जाएगा। तो चलिए लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनकी मांग क्या है। हमारे पास देख लीजिए यहाँ पे बहुत सारे सज्जन मौजूद हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। मोहम्मद आरिफ जी, इस बार चुनाव है, बहुत देख लीजिए नेता आ रहे होंगे जा रहे होंगे, कौन से नेता सबसे ज्यादा आ रहे हैं? अरे अभी तो आम पार्टी के आए थे। हाँ, और तभी कोई आया नहीं। वोट डालने जाते हैं तो क्या प्रधान का यहाँ पे दबाव रहता है कि आपका मत आपका अधिकार? नहीं, दबाव हुआ किसी की नहीं रहता है, आदमी डालता अपनी मर्जी से वोट, लेकिन समस्या ये जीतने के बाद कुछ करते ही नहीं ये लोग। अरे दद्दू जी, कहाँ जा रहे थे आप? बाजारे जा रहे हैं। बाजार जा रहे हैं, ये बताइए क्या सामान वामान खरीदना है, सब्जी वब्जी लेके आए हैं? सब्जी ही लेके जाएंगे। तो इस बार चुनावी गर्मी तेज है, क्या लग रहा है किस ओर रुझान है? अब पता नहीं, अब तो कुछ बता नहीं जा सकता, जिधर जोरदारी मची हुई तरफ वोट दीजिए। तो जहाँ बहुमत जाएगी उस ओर हम चले जाएंगे। बिल्कुल। अरे पूरे 5 साल बीत गए, आगे लगे सिलेंडर 4 बार फार्म भर चुका है, सिलेंडर अभी तक नहीं मिला है। उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर नहीं मिला? नहीं, कोई नहीं मिला। 4 बार कागज जमा कर चुका है अगला। आपका क्या मुद्दा रहेगा जब वोट डालने जाएंगे? मुद्दा का बच्चों की शिक्षा के लिए, और मुझे सबसे मुद्दा यही रहेगा कि बच्चों की शिक्षा बहुत। शिक्षा की बात करिए, क्यों स्कूल जाते हो? नहीं जाते हो, कौन से स्कूल जाते हो? सरकारी। सरकारी स्कूल? जी। स्कूल का जो कंडीशन है वो कैसी है, कैसा स्कूल है, टीचर टीचर आते हैं? कहाँ पढ़ते हो? दो में पढ़ते हो। क्या कह रहा आता है? हाँ। बताओ जरा सुन के, बताओ। आता है जी। टीचर टीचर आते हैं? टीचर टीचर आते हैं? आते हैं। क्या नाम है टीचर का? नाम नहीं पता। नाम नहीं पता, जाते हैं क्यों नहीं? नाम गुमनाम है, इस नाम को भी पता लगाएंगे, उस स्कूल में भी चलेंगे। पर जो इस समय हम नारामऊ गांव में हैं, आपको बता दें थोड़ा जो एरिया है वो आपका बिठूर विधानसभा में पड़ता है और थोड़ा एरिया आपका कल्याणपुर विधानसभा में बनता है, और यहाँ के जो आप खड़े हो ये बिठूर में है, उसमें पड़ता है ये बिठूर में है। बिठूर में? हाँ। देखिए ये दोनों के बीच में जंग है कि ये बिठूर में है कल्याणपुर में है, लेकिन ये तो हम पता लगा ही लेंगे। यहाँ पे चक्की से जो विधानसभा है वो चेंज हो जाता है, लोग यहाँ पर आते जा रहे हैं, लोगों की राय हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अभी आप कहाँ क्या कर रहे हैं, रोजगार मिला है क्या कर रहे हैं? नहीं मिला है। हाँ अच्छा, ये बताइए कितना गुटखा उटका खा लेते हैं दिन भर? कितना पैकेट? बस दुई। अभी भी मतलब वही पहला ही वाला पैकेट चल रहा है क्या? तो बीच हमारे बीच महिला भी मौजूद हैं, आज देख लीजिए मुस्कुराती हुई महिला है, यहाँ पे शर्मा रही है लेकिन नहीं, जैसे जहाँ शर्माते हैं हम वहीं पे आते हैं। नहीं हम आपसे पूछेंगे क्योंकि जब आप जाएंगे वोट डालने तो आप भी तो बटन दबाएंगी। तो अब क्या लग रहा है किसका बटन दबाएंगी आप? साइकिल का। साइकिल का दबाएंगी क्या? साइकिल पे डालना है तो डालना है। अच्छा, कोई मुद्दा रहता होगा जब साइकिल पे डालना होता होगा कि बस हमको बस साइकिल पे डालना है बस, काम हो ना हो उससे फर्क नहीं है? होएगा काम ही काम, फर्क आएगा ही हम लोग डालेंगे। जो जीते जिसके नसीब में जीतेगा वही जीतेगा, हमें तो साइकिल पे डालना है तो डालना है। कोई बोला है क्या घर में साइकिल पे डालना है? नहीं, कोई नहीं बोला है। हाँ जी, आपका नाम क्या है? अरे मोहम्मद शाहरुख। मोहम्मद शाहरुख जी, आप वोट डालेंगे? बिल्कुल। क्या इस बार देख रहे हैं बदलाव, कि जो सरकार चल रही है उसी में धक्का दे देना है? बदलाव होना चाहिए वैसे। बदलाव कारण देख रहे हो? कारण जो है बेरोजगारी महंगाई,
लग रहा है इस बार परिवर्तन हो पाएगा? अब कोशिश तो की जा रही हो, चाहे ना हो भी क्या किया जाए। प्रधान जी यहाँ पे काम हम करवा रहे हैं, नहीं करवा रहे हैं? प्रधान जी इतना काम कराए, देखो सब सफाई है, सब देखो गौशाला बनवा दिन प्रधान जी हैं यहाँ पे। तो आपको दिखा दें कि ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कूड़ा कितना है। ये प्रधान जी हैं? अरे रुक जाइए, साइकिल मतलब हमारे मोटरसाइकिल में प्रधान जी है। प्रधान जी आ चुके हैं हमारे बीच। इस बार क्या रुझान दिख रहा है? ये तो पब्लिक बताएगी, हम कुछ नहीं कह सकते। पब्लिक का है तो पब्लिक जो मांगेगी आप उसके पक्ष में है? नहीं, हम थोड़ी पक्ष में हैं। जो आप जो पूछ रहे हैं कि पब्लिक एक, एक, एक क्या क्या रुझान है, पब्लिक जानती है, हम थोड़ी बता सकते हैं। छः सात महीने में आपने यहाँ पे सबसे पहला काम क्या करवाया? सबसे पहले अस्पताल चालू कराया गया। अच्छा, कहाँ? हेल्थ केयर सेंटर यहीं बना हुआ है। हाँ। इसमें टैग लग गया है। अच्छा, बाकी यहाँ बरातशाला बनने वाली है। हाँ। इंटरलॉकिंग काम होने वाला है। अच्छा, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे जो सामने ये जो कूड़ा पड़ा है, लोग कह रहे हैं कि प्रधान जी नहीं इसकी सुनवाई कर रहे हैं? तो ये तो किसी का खेत अभी साफ कराया गया, ये लोग सामने खड़े हैं। हाँ। छः सात घंटे जैसे यहीं लोग डालते हैं। अच्छा, जब ये लोग हेल्प करें तभी कुछ होगा। अच्छा, जो सरकार की नीतियाँ होती, योजना होती हैं, वो ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुँचती है? क्योंकि अभी एक दो लोग थे वो कह रहे थे हमको सिलेंडर नहीं मिला उज्ज्वला योजना के तहत। तो सिलेंडर के लिए हम लोग अप्लाई करते करवाते हैं। हाँ। बाकी एजेंसी को देना होता है, सरकार तो आवंटित करते हैं। जो हमारा काम तो हमने करा दिया है, फॉर्म भरा दिए हैं, जैसे आएंगे वितरित कर देंगे। अच्छा, आप जबरदस्ती कोई चीज़ का हमारे पर थोपना चाहते हैं? नहीं नहीं, हर बात हमारे, हम ही सब कुछ नहीं है। है हमारा काम पब्लिक मिलना, पब्लिक समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना, आगे जो होगा उसके लिए। आप एक माध्यम है, कहते हैं कि जो माध्यम होता है वो सबसे ताकतवर होता है, वो पूरे सिस्टम को हिला के रख देता है। जो मीडियम होता है, आपको लग रहा है जैसे हमारा मीडिया है, ये मीडिया इतना ताकतवर है कि पूरे सिस्टम को हिला के रख सकता है। वैसे ही एक प्रधान होता है कि वो जो हमारी जनता है उसके जितनी भी क्या कहते हैं परेशानी है वो ऊपर तक रखे। हम पूरे रखने का प्रयास करते हैं, रखते भी हैं, लड़ते भी हैं पब्लिक के लिए। हम ये पूरी पब्लिक जानती है, इसीलिए हम क्यों आए हैं जी, हम इसलिए तो आए हैं। हम 24 घंटे पब्लिक के लिए हैं, रात हो या दिन हो, ये लोग खड़े बता सकते हैं। जब याद करते हैं तुरंत आ जाते हैं हम। अच्छा, एक और मसला है, ये जो नाली है लोग कह रहे हैं बड़ी गंदा आ रही है, बीमारियाँ ला रही है, क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, इसलिए कि यहाँ के लोगों को भी सहयोग चाहिए। हमारा कर्मचारी लगा है, हम डांट के लोग जानते हैं, हम साफ कराते हैं, लेकिन कम से कम इन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए, इन्हीं के लिए करते हैं, थोड़ी साफ़ सफाई रखें, कूड़ा जहाँ डालना हो वहाँ डालें, नालियों में पॉलीथीन वगैरह ना डालें। ये सहयोग करेंगे तभी तो सफाई रख पाएंगे। चलिए, प्रधान जी का कहना ये है कि सरकार सिर्फ सहयोग कर सकती है, जो आम जनता है सहयोग भी नहीं करेगी। नहीं नहीं, हाँ ये नहीं कहना है, अब वैसे बात करते हैं। हम एक पब्लिक के माध्यम है, पब्लिक की सारी बात रखते हैं, आगे करना सरकार को देना, हर चीज़ करना सरकार पर, ये कहना चाहते हैं। अच्छा, ये नहीं कहते हैं आप, आपने जो कहा कि वो नहीं, सरकार अगर देखेंगे प्रधान सहयोगी तो करेगा, और क्या मदद ही तो कर सकता है। सहयोग करेंगे, हमने कुछ गलत बोला? हाँ, देखिए प्रधान जी मदद कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं समाज को भी जागरूक होना पड़ेगा कि जो पन्नी है, जो गंदगी है, इधर उधर ना फेंकें। हमारे बीच एक और महिला आ गई जी। क्या चार दिन से हम राशन को जा रहे हैं, राशन कार्ड नहीं मिलो, कार्ड भी जमा, सब कुछ जमा है, कार्ड जमा है। हाँ, अंगूठा भी ले। कमला, कमला, कमला देवी तो नहीं है? नहीं, कमला है। अच्छा कमला, क्या इस बार क्या मतलब क्या मुद्दा है? गेहूँ चावल, गेहूँ चावल नहीं मिल रहा है। मिल तो फ्री में रहा होगा? हाँ, फ्री में मिल रहा, मगर अभी मिला नहीं है। तो फोन में बोलते हैं कि राशन वहाँ से नहीं, कोटा से नहीं उठा, ब्लॉक से नहीं उठा। इस बार किसके आपका मत जाएगा? मोदी को। मोदी को और क्या, यहाँ पे सब कह रहे हैं सतीश निगम, सतीश निगम, मोदी को दबा, मोदी को करेंगे। मोदी हमें दिया है, मोदी ने हमें लैट दिया है, बाकी हमें कुछ मिले नहीं है। मोदी, हाँ हाँ सही है एकदम। हाँ सही है एकदम, बाकी ना कॉलोनी नहीं दी रही, ना कॉलोनी है, ना कुछ है, ना गैस है, ना सिलेंडर है, कुछ नहीं है। चूल्हे में लकड़ी ढो ढो के लाते हैं, जब खाएंगे नहीं तो उसका क्या फायदा? वही तो, जब खाइए ना तो लैट्रिन नहीं हो। हाँ। हाँ। जब राशन नहीं दे रहा है, राशन तुम्हें चार दफे मिला नहीं, चार बार लौट चुके, नहीं राशन मिला, और लैट्रिन बनवा दी तुम्हें,
चलिए बहरहाल यहाँ पे हम बता दें कि चुनावी गर्मी तेज है, उसी गर्मी के बीच हम और भी विधानसभा का दौरा कर रहे हैं, लोगों की राय आप तक पहुँचा रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहिए इलेक्शन एक्सप्रेस।